सब्सक्राइब करें देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के यूट्यूब चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें। अच्छा, भगवान को भी झूठा इल्जाम लगा, जब ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं तो झूठा इल्जाम भी लगता है, हमारी तुम्हारी छोड़ो ठाकुर जी को भी लगता है। सत्राजित को सूर्यनारायण ने मणि दी, वो मणि तो महाराज कई किलो स्वर्ण निकालती थी एक दिन में। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुम क्या करोगे इस मणि का, हमको ही दे दो। अच्छा, वो जिस पे कोई चीज हो वो कहे मेरी चीज को मैं क्यों दे दूं, मना भी नहीं किया और दिया भी नहीं, बात आई गई होगी, भगवान ने पूछा ही नहीं। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई उस मणि को पहनकर वन में शिकार खेलने के लिए गया, सिंह से पाला पड़ गया, सिंह ने उसको मार दिया और सिंह वो मणि लेके आगे जा रहा था, और जब वो मणि लेके जा रहा था तो आगे से जामवत जी आ गए। जामवत जी ने कहा ये मणि बड़ी अच्छी है भैया, उन्होंने शेर में दो लापे मारे, शेर मर गया, मणि को लेके जामवत जी चले गए। अब महाराज जब मणि नहीं लौटी और मणि पहन के गया भैया नहीं लौटा, तो सत्राजित का संदेह भगवान द्वारकाधीश पे हुआ कि द्वारकाधीश ने मणि के चक्कर में मेरे भाई को मार दिया। कभी कभी सरकम चांसेस ऐसे हो जाते हैं ना, तुमने कुछ नहीं किया पर तुम ही ने किया, सब लोग यही समझते हैं, दोषारोपण कर दे। और आजकल दोष देना तो आसान है, वैसे दोष लगना चाहिए, झूठा दोष लगने से जीव के पाप समाप्त होते। बहुत सी माताएं बहन कहती हैं हम तो सबका अच्छा करते हैं, हमारा ही बुरा क्यों होता है, लोग हमें प्रशंसा क्यों नहीं देते। मतलब तुम ये अच्छा काम प्रशंसा पाने के लिए कर रही थी? हाँ महाराज, नहीं वैसे तो नहीं पर हाँ थोड़ा सा तो होना चाहिए ना। अच्छा, नाम नहीं हुआ तो? बोले नाम ना करो तो कोई बात नहीं, बदनाम तो मत करो। जब तुम अच्छा करो और लोग तुम्हें बदनाम करें उसके बाद भी, तब समझ लेना कि तुम्हारी झूठी बातें फैलाकर ठाकुर जी तुम्हारे सारे पाप मिटाना चाहते हैं। सही बात बता रहा हूँ मैं, प्रमाणिक बात बता रहा हूँ, ऐसे नहीं। तुमने कोई अब तुमने पाप किया और वो बात ज्यादा फैले तो उससे पाप नहीं कटेंगे, तुमने किया ही नहीं है और फिर भी बात जबरदस्ती फैल रही है। तुमने चोरी नहीं करी और तुम्हारी वो बात फैल रही है कि इसने चोरी करी, इसका मतलब है भगवान तुम्हारे पाप मिटाना चाहते हैं। ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है इसमें। राधे राधे बोलना पड़ेगा, हाय हाय जरा जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान बोले लिया नहीं दिया नहीं, चोरी का इल्जाम और लग गया। तो भगवान ने नगर के कुछ मुख्य प्रमुख लोगों को लिया और प्रमुख लोगों को लेकर वो गए मणि की तलाश में। तो वहां पहुंचे जहां मरा पड़ा था सत्राजित का छोटा भाई। बोले ये तो ये मरा पड़ा पर मणि नहीं है इसके पास। वो जहां वो मरा पड़ा था वहां पर शेर के पैरों के चिन्ह थे, उनका पीछा किया, आगे शेर मरा पड़ा है। बोले शेर यहाँ मरा पड़ा है पर मणि तो यहाँ भी नहीं है। वहाँ पर जामवन जी के पदों के चिन्ह थे, उनका पीछा किया, वो एक गुफा में जा रहे थे। गुफा में पहुँचे, गुफा में जामवन जी उस समय थे नहीं, जामवन जी के बच्चे मणि से खेल रहे थे, मणि बड़ी प्रकाश, गुफा बड़ी प्रकाशित हो रही थी। भगवान ने कहा भैया ये मणि हमको दे दो। इतने में जामवन जी आ गए और जामवन जी का और श्री कृष्ण का बढ़िया सा युद्ध हुआ, मल्ल युद्ध, चकाचक वाला एकदम फर्स्ट क्लास। और कुछ दिन बाद में जामवन जी की नस नस ढीली हो गई, बोले हे प्रभु मुझे क्षमा करो। बोले हो गए जी, अब ठीक हो? बोले अब ठीक है महाराज, पहचान लिया आपने ही हमें को ठिकाने लगाने के लिए, हमारी अकल ठिकाने लगाने की आपने कृपा कर दी। अभी जय हो इंडिया ऐप इंस्टॉल करें और पूज्य श्री देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज को फॉलो करें।